हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। दोस्तों अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरा पेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा अगर किसी भी रिलेटेड आपको मेरे से बात करनी है। और आप मुझे FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे लर्निंग टू ड्राइव के नाम से। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल के नाम से। तो दोस्तों मेरी फाइनली स्टूडेंट आ चुकी हैं जो कि बहुत एक्साइटेड हैं। मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और क्या कॉन्फिडेंस है क्या। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करनी है? फोर्थ डे, वेरी गुड। कौन कौन से गियर में अभी तक आपने कार चलाई है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। तो कार को स्टार्ट करने से पहले किन किन एक्टिविटीज पे ध्यान देना चाहिए हमें? सबसे पहले एडजस्ट करना, पहले सीट एडजस्ट करना है। राइट हैंड यहाँ पे रखो, लेफ्ट हैंड से आप अपना रॉड उठा के रॉड उठा के अपनी बॉडी को ऊपर खींचो। पहले रॉड पूरा उठाओ, अभी सीट और आगे जाए, अब खींचो और बेस्ट हो गया। छोड़ो, अब देखो, दबा के देखो पैर से, कंफर्टेबल है आपका पैर? कैसे पता चलेगा कि सीट सही है? पुश हो रहा हो, है ना? पैर उठना रहा हो, ठीक है। अभी सीट एडजस्ट हो गई, आप सीट बेल्ट डालिए। उधर से पलट के बस पुश करो बस, ठीक है। अब राइट वाला ORVM आप चेक करो। हाँ, अभी इंजन ऑन कर लो, क्लच दबा के इंजन ऑन कर लो। स्टार्ट करो इंजन ऑन करो बस। अब फर्स्ट गियर डालो, नहीं लगा है, अब लगा है। चलो राइट वाला पैर कहाँ है? एक्सीलेटर पे रखो, एक्सीलेटर पे वी शेप में। अब राइट का सिग्नल दो ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी चलने जा रही है, ठीक है। राइट वाले ORVM को एक बार चेक कर लो। अब जाओ, धीरे से बढ़ाओ गाड़ी, हाफ क्लच पे, एक्सीलेटर नहीं लेना है, हाफ क्लच छोड़ो कि गाड़ी अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जाओ धीरे धीरे, बस धीरे धीरे और धीरे धीरे। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हल्का लेफ्ट आओ, आप सिग्नल बंद कर दो ऊपर को हल्के हाथों से, बस। चलो अभी क्लच को पूरा रिलीज कर दो। हाँ, सामने देखो ट्रैक्टर आ रहे लगातार दो तीन। हाँ, अभी स्पीड लेफ्ट आओ, हल्का जाओ, स्पीड रेस करो, हल्का रेस। हाँ, और राइट रखो, राइट। ए चढ़ गई हालांकि पत्थर पे। लेफ्ट आओ, मैंने आपको तीन बार बोला राइट, फिर भी आपकी गाड़ी लेफ्ट जा रही थी। राइट दबाओ, कहाँ जा रही गाड़ी? राइट दबाओ स्टीयरिंग। क्या हुआ, दिक्कत कोई? नहीं, लेफ्ट आओ, सीधी करो, सीधी बढ़ाओ। राइट का सिग्नल दो नीचे को, राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए टर्निंग के टाइम। हाँ, हल्का सा ले सकते हो आप, इधर मेरी तरफ ध्यान ही मत दो, ठीक है। राइट का सिग्नल दिया जी। अभी अपने लेफ्ट में देखना है पहले, आपको खतरा आपको लेफ्ट से है ना कि राइट से, ठीक है। अब धीरे धीरे राइट टर्न करो। हाँ, जाओ धीरे धीरे। हाँ बस, अब वापस अपना लेफ्ट आओ। आपने पूरी स्टीयरिंग घुमा दी, पूरी स्टीयरिंग नहीं घुमानी थी, सिर्फ एक राउंड आपको घुमाना था। चलो स्पीड बढ़ाओ, गाड़ी आपकी पूरी रॉन्ग साइड आ गई, आपकी साइड लेफ्ट है, आप गाड़ी पूरी राइट लेके आ गए। ज़्यादा आपने, बहुत ज़्यादा वहाँ पर घुमा दिया स्टीयरिंग को, सिर्फ 1.8% आपको घुमाना था। स्पीड बढ़ाओ और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर जल्दी से चेंज करो, लेफ्ट आके पीछे छोड़ो क्लच। बट आपने छोड़ो, गाड़ी देखो कहाँ जा रही है आपकी, क्योंकि आपने स्टीयरिंग ही गलत पकड़ लिया यहाँ पे। स्टीयरिंग जब वो आपने झटके से क्लच छोड़ा ना, गाड़ी मैम गलत चल रही है आपकी, लेफ्ट लेके आइए ना, हल्का राइट रखो। हाँ लेफ्ट आओ, हाँ हल्का राइट रखो, जाने दो धीरे धीरे। हाँ और लेफ्ट आओ, हाँ
राइट रखो थोड़ा, लेफ्ट आओ हल्का। हाँ अभी यहाँ से लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, राइट वाला पैर ब्रेक पे, ताकि टर्निंग के टाइम गलती से एक्सेलेटर ना दब जाए। चलो अभी एक राउंड घुमाओ स्टेयरिंग का, पूरा एक राउंड घुमा दो बस, बस इससे ज्यादा नहीं। अब होल्ड रखो गाड़ी को, अब सीधा करो एक राउंड बस। देखो कितनी जबरदस्त स्टेयरिंग घूमे और सीधी, जरा सा लहराई, 1% भी नहीं लहराई है। हल्का लेफ्ट आ जाओ, और लेफ्ट जाने दो, सीधा जाना है। थोड़ा सा राइट दबाओ गाड़ी, क्योंकि इधर देखो मलवा पड़ा हुआ है, एंटी भी है, सामने ट्रैक्टर है। हल्का लेफ्ट आओ, हाँ अब हल्का राइट रखो। राइट वाला पैर कहाँ है, किस पॉइंट पे, एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे, ब्रेक पे, हाँ तो ब्रेक पे ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सीलेटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी ना थोड़ा सा लहरा जा रही है, मतलब वो राइट ज्यादा भाग जा रही है, और आपको अपने लेफ्ट में ही रखना, क्योंकि आपका जो साइड है वो लेफ्ट है, क्योंकि जो भी बंदा पीछे से आएगा वो आपके राइट से वो टेक करेगा, जो सामने से आएगा वो सामने से राइट से करेगा। अगर आप राइट ज़्यादा दबा के रखोगे तो लोग आपको लेफ्ट से वो टेक करने लगेंगे। हल्का लेफ्ट आऊँ, हाँ अभी यहाँ से राइट टर्न करना है, राइट टर्न करना, हाँ सिग्नल दो राइट का, गाड़ी आपकी फिर राइट चली गई मैडम। आपको अपने लेफ्ट में रखना है ना, अब राइट रखो, हल्का राइट 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 राइट, अब टर्न करो राइट, बस बस टर्न करो, हाँ बस सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करते हो तो लेफ्ट वाले आरबीएम को क्यों नहीं चेक करती हैं आप, कैसे पता चलेगा आपको, हाँ सॉरी सॉरी अभी। हल्का लेफ्ट आओ, हॉर्न लेफ्ट आओ, और लेफ्ट लेफ्ट, हाँ अभी यहीं से राइट, यहीं से सिग्नल दो राइट का, इसी गली में राइट जाना है, टर्न करो बस, भाई इतनी टर्न रहने दो बस, इससे ज़्यादा नहीं, अभी नहीं, अब सीधी करो, गुड, हल्का लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, बस राइट रखो राइट, हाँ राइट। आप ये उंगलियों को फैला के क्यों रख रही हैं, प्रॉपर एक ग्रिप बना के क्यों नहीं पकड़ रही हैं इसको, लेफ्ट आओ, स्ट्रेट चलना है, हाँ हल्का राइट रखो, फर्स्ट और सेकंड गियर में इतनी पावर होती जाओ, आप ब्रेक क्यों दबाई यहाँ पे, हाँ तो खाली ब्रेक क्यों दबाए, आपको क्लच भी तो लेना था, स्कूटी थोड़ी है कि खाली ब्रेक लगाओगे। अगर आप 5-10% भी ब्रेक लेते हो फर्स्ट और सेकंड गियर में, तो आपको 50% क्लच लेने के बाद ही ब्रेक लेना है। आपने क्या करा, ओनली ब्रेक दबाया, अभी इंजन झटके मार के बुझ जाता। अभी लेफ्ट आओ, राइट का सिग्नल दो, राइट टर्न करना है, और अपना लेफ्ट दबा के राइट, क्योंकि बाइक खड़ी है, राइट वाला पैर ब्रेक पे, हॉर्न पुश करो हॉर्न, बस एक राउंड पूरा घुमा दो स्टीयरिंग का, पूरा नहीं घुमाया आपने इसलिए गाड़ी ज़्यादा आ गई। अब सीधी करो, एक बार में पूरा एक राउंड आपका घूम जाना चाहिए, फिर राइट भागी जा रही है गाड़ी आपकी। देखो अभी तो रोड खाली है, तो आप कहीं भी नागिन डांस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट रखो राइट हल्का। लेकिन अगर अभी यही आप 9-10 बजे के बाद चलाओगे तब क्या होगा, लेफ्ट आओ हल्का, हाँ यहीं से लेफ्ट चलना, सिग्नल दो, राइट वाला पैर ब्रेक पे, हॉर्न राइट पहले देखना फिर लेफ्ट टर्न करना। चलो टर्न करो, पूरा एक राउंड घुमा दिया करो, जैसे आधी गाड़ी आपकी क्रॉस कर जाए, सीधी करो सीधी करो सीधी। अब देखो क्या किया आपने, राइट वाला पैर कहाँ है आपका, और कहाँ होना चाहिए था, और आपने ये क्या किया, अभी स्टीयरिंग आपने घुमा तो दिया बट सीधा ही नहीं करा, अभी ठुक जाती जाके। वो तो मैंने यहाँ से पूरा क्लच ब्रेक लेके गाड़ी को रोक लिया है, क्योंकि जिस स्पीड से आपने स्टीयरिंग को घुमाया था उसी स्पीड से उसको वापस भी तो सीधा करना था। अब पहले इसको फर्स्ट गियर में करो, गियर आप गलत पकड़ती है मैडम, पहले इसको न्यूट्रल करो, कैसे पकड़ती गियर, यहां से पकड़ लो ना, क्या दिक्कत है, ये थर्ड गियर हो गया है, थर्ड हो गया, लेफ्ट लाओ और अब ऊपर जाओ, ये फर्स्ट गियर है, ठीक है। अब स्टीयरिंग को राइट घुमाओ और ज्यादा घुमाओ, टायर का पोजिशन देख रहे हो अपने, और घुमाओ और घुमाओ, हाँ ब्रेक छोड़ो धीरे से, क्लच छोड़ो, चलो पहले ब्रेक छोड़ो, अब नीचे नहीं देखना मैडम, रोड पे देखना है, चलो छोड़ो क्लच, राइट दबाओ और थोड़ा सा और, हाँ अब सीधी करो फटाफट, सीधी करो स्टीयरिंग बस, अभी यहाँ से राइट जाना है,
आप थोड़ा वीडियोस देख लिया करिए मैम। नहीं नहीं, वीडियोस एक्चुअली आप बना रहे हो ना, तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस ज्यादा हो रही है। क्यों ध्यान दे रही हैं आप उस पे? हल्का लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट आओ। आप उस पे ध्यान ही क्यों दे रही हैं भाई? आप अपने ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए ना। बढ़ाओ रेस करो, लेफ्ट आओ, स्पीड बढ़ाओ और अब एक्सेलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर करो, न्यूट्रल करके। मैडम फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर हो गया,